बीजेपी और सिंधिया में हुई तकरार, मध्य प्रदेश के सियासत में आया भूचाल, मचा हड़कंप। आपको बताते चले, 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भाजपा को केवल 6 सीटें मिली। सिंधिया के भाजपा में आने के बाद यहां की तस्वीर बदली है। इस साल होने वाले चुनाव के लिए कहां कौन दावेदारी कर रहा है। कांग्रेस ने 24 सीटों पर जीत हासिल की, इसी से पार्टी की सत्ता में वापसी का दरवाजा खुला। भाजपा को सिर्फ 6 सीटें मिली, 1 सीट बसपा के खाते में गई। इस इलाके में कांग्रेस की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाल रखी थी। सरकार बनी तो कमलनाथ सीएम बन गए। 15 महीने की रसाकशी के बाद सिंधिया की बगावत के कारण कांग्रेस सरकार गिर गई। इसी के साथ यहां की राजनीतिक तस्वीरें भी बदल गई। यहां कांग्रेस से जीते 15 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। भाजपा ने सभी को उपचुनाव में टिकट दिया। परिणाम आया तो इसमें 8 फिर से जीत गए। जो हार गए उनको निगम मंडल में पद देकर एडजस्ट कर दिया गया। लेकिन आपको बताते चले कि भाजपा के लिए इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट बांटना सबसे बड़ी चुनौती होगी। जी हां, चूंकि दावेदार ज्यादा हो गए हैं, इसलिए सिंधिया समर्थक और बीजेपी के पुराने लोगों में टिकट को लेकर दसल और टसल शुरू हो गया है। ऐसे में भाजपा को भीतरघात की चिंता सता रही है। चुनाव से पहले बीजेपी यहां के सभी समीकरण को दुरुस्त कर लेना चाहती है। वहीं कांग्रेस सिंधिया के बगावत के बाद एकजुट नजर आ रही है, इसके संभावित प्रत्याशी क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।